मध्य प्रदेश में दिनों दिन बिगड़ रहे कोरोना के हालात के बीच कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला बैतूल में हुआ जो बेहद चौंकाने वाला था। बैतूल के आईटीआई केंद्र में चल रहे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने 70 साल की सयाबाई पहुंची। सयाबाई को नर्स ने पहले एक डोज लगाया और उसके तुरंत बाद ही दूसरा डोज भी लगा दिया। जब सयाबाई ने दूसरा टीका लगवाने का कारण पूछा तब स्वास्थ्यकर्मी को इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है, पर इतने पर ही बुजुर्ग को सही तरह से ट्रीट किया जाता तो भी काफ़ी था। उस बुजुर्ग को सही सलाह देने की जगह जिला अस्पताल ले जाने की सलाह देकर वहां मौजूद स्वास्थ्य अमले ने अपना पल्ला झाड़ लिया। घबराए हुए परिजन सयाबाई को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां उनकी पूरी जांच हुई। हालांकि सयाबाई के स्वास्थ्य पर दोनों डोज का कोई विपरीत प्रभाव नहीं नजर आया, इसलिए जिला अस्पताल ने उन्हें घर पर ही ले जाने और स्वास्थ्य पर निगरानी रखने की सलाह दी। सयाबाई खुश नसीब थी कि दो डोज बैक टू बैक लगने के बाद भी उनकी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। डॉक्टर्स की सलाह है कि एक डोज लग जाए तो मरीज खुद ही दूसरा डोज लगाने से रोक दें, क्योंकि लोगों की जागरूकता ही उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ से बचा सकती है।